नमस्ते बच्चों, मैं आज क्लास 4 के बच्चों के लिए लेके आई हूँ हिंदी रीडर से पाठ 5। यहाँ पे देखिए पाठ 5 हिंदी रीडर का, इसका नाम है, इस पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। अब यह इस तरह के नाम के विषय में आपको बता दूँ, क्यों क्यों लड़की यह कहानी है, एक लड़की की कहानी है, छोटी लड़की की कहानी है, जो लड़की लगभग 10 वर्ष की है। तो क्यों क्यों मतलब कि उसमें जो आदत थी वो क्वेश्चन पूछने की, हमेशा एक प्रश्न पूछते रहती, जिज्ञासु स्वभाव की वो लड़की थी। तो इसी के विषय में यह कहानी है, आपको बहुत ही मन लगेगा सुनने में, आप सुनिए ध्यान से। आप ही के तरह वो भी एक छोटी बच्ची है, आप जैसे छोटे बच्चे हो। तो मैं आपको बताऊँ कि यह कहानी है क्या। तो यह कहानी, सबसे पहले बताऊं कि इस कहानी की जो लेखिका हैं, जो लिखने वाली हैं, उनका नाम है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी हुई यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। इस कहानी में एक छोटी लड़की की बात है जो कि 10 वर्ष की थी। उसका नाम था मोइना। उस लड़की का नाम क्या था? मोइना। और उसकी माँ का नाम, मम्मी का नाम क्या था? खीरी। तो करीब 10 वर्ष की जो मोइना थी, छोटी लड़की, एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। वो निडर भी थी, वो साहसी थी, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। निडर मतलब उसको डर नहीं था किसी चीज़ का, साहसी मतलब वो बहुत ही हिम्मत वाली थी, साहस वाली थी, और वो जिज्ञासु, हर बात के विषय में उसे जानने की हमेशा इच्छा रहती थी, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, और इच्छा ही नहीं रहती थी, वो पूछ भी डालती थी, उनके सामने जो भी पढ़ती थी उसे वो पूछ डालती थी कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्यों ऐसे। तो वो लड़की सांप का पीछा कर रही थी। लेखिका कहती हैं, अपनी अनुभव शेयर कर रही हैं, अपने अनुभव साझा कर रही हैं कि मैं उस लड़की के पीछे भागी। लेखिका उस समय समिति के कार से उस जगह पे पहुंची थी, तो वहाँ पे उस लड़की से उनकी मुलाकात हुई और उसके विषय में उन्होंने लिखा। उस लड़की के पीछे सांप जो वो पकड़ रही थी, मतलब सांप का पीछा कर रही थी, तो वो भागी और उसे लड़की को पकड़ कर बोली कि ना मोइना, ना, काट लेगा, और उसे आंगन तक घसीट कर वो वहाँ लेके आई जहाँ पे उसकी माँ थी। किसकी माँ? मोइना की माँ। जिनका नाम क्या था? उनका नाम था खीरी। चलो, तो माँ के पास आई और उसकी माँ बोलती है, खीरी बोलती है कि चलो थोड़ा आराम कर लो। खीरी ने उसे मोइना की ओर देखते हुए कहा। मोइना ने मटक कर कहा, क्यों? फिर बाबू की बकरियां कौन लाएगा, वो जो चढ़ने के लिए हम छोड़ के आए हैं, और लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब कौन करेगा, मुझे जो आराम करने बोल रही है। और ये सब बोलते हुए मोइना क्या की, वहाँ से, अपने माँ के पास से वो भाग गई। बड़ी ही चंचल, एकदम छोटी सी लड़की थी, भाग गई वो। खीरी सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा बच्चा कहीं नहीं देखा, ओहो। और फिर करती क्या, बच्ची तो चली गई थी, दौड़ के भाग गई थी बकरियों के पास। वो जो छोटी लड़की थी बहुत ही गरीब परिवार से थी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है, एक बच्ची के मनोभावना, बच्ची के मन में क्या भावना उत्पन्न हो रहा है, इस बात को दिखाया गया है। और वो बाबुओं की बकरी को चराती थी, यानी कि जो धनी परिवार थे, जो बकरी तो रखे हुए थे, तो उसके देखरेख के लिए, उसे चराने के लिए, चराना मतलब बकरी जो घास खाती है, तो उसे जंगल में ले जाना, उसे घास खिला के लाना, इसके लिए मोइना काम करती थी, ये काम करती थी। तो वो फिर चली गई, अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती हुई बोली थी कि ऐसी बच्ची कहीं नहीं देखा, क्यों क्यों पूरे दिन करती रहती है, सबसे पूछती रहती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, इस तरह से। इसीलिए डाकिया बाबू जो हैं, डाकिया बाबू जानते हैं, जो डाक लाते हैं, चिट्ठी लाते हैं, किसी तरह की कोई ऑफिशियल पेपर होता है या फिर पैसे, मनी ऑर्डर होते हैं, वो लाते हैं। तो हर जगह, हर गांव में, हर जगह एक डाकिया बाबू होते हैं। तो बोली है खीरी कि डाकिया बाबू ने तो इसका नाम क्यों क्यों लड़की रख दिया है, क्यों क्यों हमेशा पूछती रहती है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया, अरे क्यों क्यों लड़की, कहाँ जा रही है, इस तरह से। फिर देखो क्या हुआ, लेखिका बोलती है कि जो भी हो, मुझे तो ये लड़की बड़ी अच्छी लगती है। और मोइना कौन थी? आदिवासी लड़की थी।
उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो, ये लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, मुझे बहुत ही पसंद है ये लड़की। मोइना सवाल पर सवाल करती जाती। किस तरह से सवाल करती थी? अपने आप से भी सवाल करती थी, अपनी माँ से सवाल करती थी, अपने आस पड़ोस वाले जो भी उसके साथ होते उसे सवाल करती थी, क्यों मुझे नदी से पानी लाने के लिए मीलों जाना पड़ता है? मीलों जाना, मील का मतलब होता है, मील शब्द जो है उसका मतलब है दूरी मापने का एक मापक यंत्र होता है दूरी मापने के लिए। तो मीलों जाना, कोसों जाना कहते हैं, मीलों जाना जैसे कहते हैं इतना किलोमीटर जाना, तो इसी तरह से मीलों जाना क्यों पड़ता है, क्यों नहीं हमारे पास आस पड़ोस में पानी है? अच्छा, इसके बाद हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं भाई? उसके मन में जो विचार, देखिए बच्चे का मन एकदम जो है कोमल होता है, एकदम निश्चल होता है, निर्मल होता है। आप सबके मन में, आप सब बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही भोले हो, बहुत ही अच्छे हो, आपके मन में जो बात आती है और उसे जानने की इच्छा भी होती है, जिज्ञासा भी होती है, तो इसलिए आप अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से, अपने घर के लोगों से जो मन में बात आती है उसे पूछते हैं। आप पूछना भी चाहिए, है ना, और उसे सीखना चाहिए वो क्या बताते हैं। तो वो हमेशा पूछती रहती है, हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं, हमें पानी लाने के लिए दूर क्यों जाना पड़ता है। हाँ, इसके बाद हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खाते, खा सकते हैं? उसे चावल पसंद है, लेकिन उसके पास, उसके माँ के पास इतना चावल नहीं है कि एक दिन में 2 बार उसे चावल खिला सके। तो बड़ा ही मार्मिक यह जो दृश्य है, यह जो प्रसंग है। तो मोइना गाँव के बाबुओं की बकरी चराया करती थी, बकरियों को चराती थी, ये तो मैंने बताया ही, अपना काम करती थी और घर आ जाती थी। खाने के समय बुदबुदाती रहती थी, मतलब कि धीरे धीरे कुछ कुछ बोलती रहती थी। क्या बोलती? क्यों मैं उनका बच्चा खुचा खाऊं? अब जिनके यहाँ वो बकरी चराती थी, बकरियाँ चरा के दे आती थी, वो कुछ बच्चा खुचा उनके घर में बना है, कुछ अच्छा बच्चा है कुछ थोड़ा सा, तो दे दिए कि जाओ तुम खा लेना। तो इसको थोड़ा सा खराब भी लगता था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था, लेना पड़ेगा ही, खाना पड़ेगा ही, लेकिन आत्मग्लानी होती थी, क्यों मैं उनका बच्चा खुचा खाऊं? ऐसा क्यों है, मैं 2 बार चावल क्यों नहीं खाऊं, मैं पत्ते की झोपड़ी में क्यों रहूं? इस तरह से मैं तो शाम को बढ़िया खाना बनाऊंगी और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाऊंगी, वो सोचती थी बच्ची, छोटी सी बच्ची। तो लेखिका कहती हैं कि उस वर्ष मैं समिति के साथ वहाँ 1 माह तक रुकी थी। अब इनको मोइना के नज़दीक से जानने का मौका कैसे मिला था, ये बता रही हैं कि उस वर्ष जो है 1 महीने के लिए ये जो है उस आदिवासी सबके साथ वहाँ रहने का उनको मौका मिला था। तो एक सुबह की बात बताती हैं, एक सुबह मोइना ने बताया समिति वाली झोपड़ी में वह मेरे साथ रहेगी। जहाँ वो समिति वाली झोपड़ी वो रहती थी लेखिका, वहाँ मोइना ने उसको उनको बताया कि मैं आप ही के साथ रहूँगी, क्योंकि वो जो जिज्ञासु थी बार बार पूछती थी ये क्यों वो क्यों, तो ये तो सारे जिज्ञासा को उसका उसका जो है वो हल निकालती थी, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, जवाब देती थी, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। तो बोली क्या कि मैं आप ही के साथ रहूँगी, और क्या हुआ जानते हो, अपना एक जोड़ी कपड़ा लेकर भी आ गई, वो कपड़े लेके आई और बोली कि अब तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं यहाँ रहूँगी आप ही के साथ, और मैं जो जो पूछती हूँ आप हमको बताती हैं, हम पढ़ना भी चाहते हैं, आप हमको पढ़ाती भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो लड़की पढ़ने वाली थी, उसे पढ़ाई में भी मन लगता था, लेकिन बड़ी निर्धन थी, उसके पास बहुत अधिक व्यवस्था भी नहीं था, तो लेकिन समिति में शिक्षिका भी, समिति में विद्यालय भी था, तो वहाँ की जो शिक्षिका थी वो उनसे बोली कि लेखिका से बोली समिति की शिक्षिका कि अजी क्या बताएं, आप जो इसकी क्यों क्यों सुनिएगा दिन में 100 बार तो ऊब जाइएगा, आपको तो एकदम परेशान कर देगी क्यों क्यों करके, है ना। तो लेकिन लेखिका क्या बोली, कोई बात नहीं, ये बच्ची बड़ी प्यारी है, जिज्ञासु है, इसे मैं रखूँगी अपने साथ। और वो रहती थी और क्या पूछती थी पता है, उनसे पूछती थी कि आप तो कहती हैं कि सूरज जो है वो उससे अनेक तारे सूरज से आकार में बड़े हैं, तो फिर छोटे क्यों दिखाई देते हैं, सूरज बड़ा क्यों दिखाई देता है, अच्छा मछलियाँ हम लोग की तरह बात क्यों नहीं कर सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न वो उनको पूछती थी। और क्या पूछती थी, आप सोने से पहले रोज पढ़ाई क्यों करती हैं? लेखिका बड़े प्यार से जवाब देती थी कि सुनो तुम जो इतनी बात पूछती रहती हो भर दिन, क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो मैं यदि रात को सोने से पहले पढ़ाई ना करूं, दिन भर तो काम में व्यस्त रहना होता है, तो फिर मैं तुम्हारे क्यों क्यों का जवाब कैसे दूंगी, इसीलिए मैं पढ़ाई करती हूं कि तुम्हारे क्यों क्यों का जवाब मुझे देना हो। और फिर मोइना चुप हो जाती थी।
उसने कमरा ठीक ठाक किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सवालों का जवाब ढूंढ निकालूंगी। फिर मोइना को के मन में अचानक से एक बात आई कि मैं भी पढ़ूंगी और आपसे जो पूछती हूँ बार बार, मैं खुद से इस सवालों का जवाब खुद से ढूंढूंगी। इसके लिए मुझे पढ़ना होगा, मैं जान चुकी हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मोइना पढ़ने लगी। किन से? लेखिका से। जो जो सीखती थी इनसे वो क्या करती थी, ये चीज़ ध्यान दो। बकरियां चराने जब वो जाती थी, और उसके साथ तो और भी बच्चे होते थे जो बकरियां चरा रहे होते थे, उसी की तरह के बच्चे, तो उसके साथ वो सारी बातें जो है वो शेयर करती थी। क्या बोलती थी? पता है, सूरज से बहुत बड़े होते हैं ये तारे, लेकिन क्यों छोटे दिखाई पड़ते हैं? पता है सूरज बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूरज हमसे नज़दीक में है, तारे बहुत दूर हैं, इसीलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं। और एक बात पता है, मछलियाँ भी बातें करती हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारी तरह नहीं बोल पाती, क्योंकि उसकी बोलने का भाषा अलग है। वो भी आपस में बात करती है, हंसती है, बोलती है, घुलती है, मिलती है। हम लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते ना, इसीलिए हम लोग को लगता है कि मछलियाँ बोलती नहीं है। वास्तव में मछलियाँ भी बोलती है। इस तरह की जो भी बातें वो सीखती थी, वो जाके अपने जो दोस्त मित्र होते थे बकरियाँ चराने वाले, उनके साथ वो शेयर करती थी। ये सब इस तरह से बीतता गया। पता है पृथ्वी गोल है, ये सब बातें बार बार वो कहती रहती थी। एक वर्ष के बाद फिर लेखिका उसी गांव में गई, उसी समिति के काम से पुनः गई थी उसी गांव में। पुनः का मतलब दोबारा, दोबारा एक वर्ष के बाद फिर वहां जाना हुआ। फिर उन्हें मोइना की आवाज़ सुनाई दी। क्यों होता है ये, क्यों होता है? समिति में जो शिक्षिका थी उनसे वो पूछ रही थी मोइना कि क्यों आप स्कूल नहीं चलाते हैं, स्कूल क्यों बंद है? तो शिक्षिका ने उसे जवाब दिया कि मोइना, स्कूल तो चलाया जा रहा है, स्कूल तो चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता है स्कूल का समय क्या है? स्कूल का समय है सुबह 9 से 11 बजे तक। तो उसने कहा, क्यों 9 से 11 बजे क्यों है? आपको पता है ना, मुझे बाबुओं के बकरियों को चराना होता है। यदि आप 9 से 11 बजे का समय रखी हैं, तो फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? आपको पता है ना, मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब क्यों नहीं 11 बजे के बाद स्कूल चलाती हैं? जब मैं बाबू के बकरी को चरा के उनके घर दे आऊँ, तब आप स्कूल चलाइए। इस तरह से वो पढ़ाई में भी मन लगाने लगी। तो फिर शिक्षिका उसे जवाब दी कि ठीक है, मैं 12 11 बजे के बाद ही विद्यालय चलाऊंगी, तुम पढ़ने आओगी और तुम सीखोगी। तो मोइना बोली कि हाँ, यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगी नहीं, और मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? समय बीतता गया। समय बीतते हुए मोइना धीरे धीरे बड़ी होती गई और पढ़ती गई। शाम को मोइना की झोपड़ी पर गई थी कौन? लेखिका। देखा कि मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही है। क्या बता रही थी? कि एक पेड़ काटो तो दो लगाओ। देखो कितनी बड़ी बात बता रही थी। आप लोगों को भी मैं बताती हूँ ना, कि आप अपने जन्मदिन पे या फिर कोई ऐसा खास आपके घर में ओकेजन होता है, तो उसमें एक पेड़ जरूर लगाओ, क्योंकि पेड़ों की कटाई होती जा रही है और पेड़ लगाए कम जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मित्र हमारा कौन है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा है तो जीवन है और हम हैं, है ना? इसलिए तो वो इस बात को समझ चुकी थी और बोली अपने भाई बहनों से कि यदि एक पेड़ काटो तो दो लगाओ। इस तरह की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, है ना? खाने से पहले हाथ धो लो। देखो कितनी बड़ी बात, ये तो आप सभी जानते हैं, आप सभी तो अच्छे बच्चे हैं, सभी जानते हैं कि हैंड वॉश। और ऐसे तो अभी तो कोरोना वायरस के कारण हम सभी की जैसे आदत सी हो गई है कि कुछ देर पर, 1 घंटे पे 2 घंटे पे हाथ धोना, और खाने से पहले या फिर कुछ छूने से पहले, मुंह नाक आँख छूने से पहले हाथ जरूर धोना होता है। और लेकिन ऐसे भी कोरोना वायरस ना हो तो भी हम लोगों को हमेशा हाथ धोते रहना है, खाने से पहले और खाने के बाद तो सब धोते हैं, है ना? तो इस तरह से वो अपनी भाई बहन को सिखा रही थी, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पेट में कीटाणु चले जाएंगे, गंदगी से बीमारी होगी, पेट दर्द होंगे। इस तरह से अब बहुत साल बीत चुका है। मोइना कितने साल की हो गई है? 18 वर्ष की हो गई है, धीरे धीरे समय बीतते हुए। और मोइना उसी समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अब वो शिक्षिका बन गई है, उसे बहुत सारे ज्ञान मिल चुके थे, तो वो शिक्षिका बनी है। और उस गांव के जो बच्चे थे उसे वो बताती है, सिखाती है। यदि स्कूल के पास से गुजरेंगे, लेखिका कहती हैं कि यदि आप उस स्कूल के पास से गुजरेंगे तो अभी भी सुनाई देगी वो आवाज़। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो मुझसे क्या पूछना है।
और इस तरह से वो बच्चों के साथ घुल मिल के बच्चों की जो भी जिज्ञासा होती थी उसे शांत करती थी। इसी तरह मैं भी आपसे बताती हूँ, आपसे कह रही हूँ कि आपकी भी जो जिज्ञासा हो मुझसे पूछने की, अपने पाठ से संबंधित, वो हमसे आप पूछ सकती हैं, पूछ सकते हैं। लड़के हो या लड़कियां, जो भी हमारे क्लास के बच्चे, तो आप पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं, और मैं उसका जवाब आपको दूंगी। और इस तरह से यह चैप्टर जो है, वो कहानी जो है, वो ख़त्म यहाँ पे होती है। अगले वीडियो में हम आपके लिए इस पाठ 5 का जो है प्रश्नोत्तर लेके आएंगे, और फिर उसका आपको जवाब मिलेगा, हल मिलेगा। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय, नमस्ते।